राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। दिल्ली में सीमाओं को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जबरदस्त तरीके से हमलावर हैं, जिसे लेकर आज मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने इस अध्यादेश के जरिए दिल्ली को हथियाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि ये अध्यादेश मंत्रियों, मुख्यमंत्री और कैबिनेट के ऊपर अफसरों को बिठाता है और इन अफसरों पर सीधे केंद्र सरकार का कंट्रोल होगा। इस तरह भाजपा चुनाव हारने के बाद भी दिल्ली सरकार को चलाना चाहती है। ये पूरा का पूरा जो ऑर्डिनेंस है, पहले हमें समझना पड़ेगा इस ऑर्डिनेंस के जरिए केंद्र सरकार ने किस तरह से दिल्ली में 3 बार चुनाव हारने के बाद दिल्ली सरकार के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की है। उन्होंने कई ऐसे प्रोविजंस इसके अंदर लिखे हैं अध्यादेश के अंदर, जिसके जरिए मंत्री और मुख्यमंत्री, जो चुनी हुई सरकार है, जो चुनी हुई कैबिनेट है, उसके ऊपर हर जगह इन्होंने एक अफसर को बिठा दिया। अब डिपार्टमेंट्स में मंत्री की नहीं चलेगी, अफसर की चलेगी। अफसर को मंत्री का बॉस बना दिया। कैबिनेट के अंदर कैबिनेट की नहीं चलेगी, चीफ सेक्रेटरी की और एलजी की चलेगी, उसके ऊपर उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को बिठा दिया। एक ये कहने को एक अथॉरिटी बना दी, अथॉरिटी के अंदर 2 अफसर केंद्र सरकार के होंगे और 1 मुख्यमंत्री होगा, तो इसके अंदर मुख्यमंत्री के ऊपर 2 अफसरों को बिठा दिया। तो हर जगह इन्होंने अफसर शाही को सारा कंट्रोल दे दिया। अफसरों के ऊपर केंद्र सरकार का कंट्रोल होगा सर्विसेज के जरिए और विजिलेंस के जरिए। तो एक तरह से केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को अफसरों के जरिए चलाना चाहती है। हमारा देश एक जनतंत्र है, भारत एक जनतंत्र है, और संविधान, भारत का संविधान की मूल आत्मा यही है कि हम एक जनतंत्र हैं। जनता सरकार चुनती है और उस सरकार को काम करने के सारे अधिकार होते हैं, और वो सरकार, चुनी हुई सरकार, अफसरों के जरिए काम करती है। वो अफसर चुनी हुई सरकार को रिपोर्ट करते हैं। ये शायद दुनिया के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा षड्यंत्र रचा है कि अब अफसर जो है वो चुनी हुई सरकार के ऊपर होंगे। क्यों? क्योंकि उन अफसरों के ऊपर केंद्र सरकार का कंट्रोल है। केंद्र सरकार उन अफसरों को कंट्रोल करती है, किसी को भी ट्रांसफर कर सकती है, किसी को सस्पेंड कर सकती है। तो जैसे किसी भी डिपार्टमेंट में मंत्री जो है वो अगर कोई आदेश देगा तो अफसर डिसाइड करेगा कि आदेश सही है कि गलत है। अगर अफसर को लगता है कि आदेश सही नहीं है, अगर वो तो ये बहाना मार के कि वो अफसर आदेश सही नहीं है, वो अफसर आदेश मानने से इनकार कर सकता है। सरकार कैसे चलेगी ऐसे? हम मान लो कहते हैं कि 2 स्कूल बनाने, अफसर कहते हैं नहीं, इस दिल्ली में स्कूलों की जरूरत नहीं है। अगर अफसर लिख दे फाइल पे दिल्ली में स्कूलों की जरूरत नहीं है तो स्कूल नहीं बनेंगे। हम मान लो कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक 100 और बनने चाहिए, चुनी हुई सरकार कहती है, हम तो जनता में घूमते हैं, हम कहते हैं भाई जनता मांग रही है इस इलाके में करोलबाग में एक मोहल्ला क्लिनिक बनाओ, अफसर कहता है नहीं करोलबाग में मोहल्ला क्लिनिक की जरूरत नहीं है, बस फिर मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनेगा। हम कहते हैं यहाँ पे पानी गंदा आ रहा है, अफसर लिख देता है पानी ठीक आ रहा है, बस पानी ठीक आ रहा है, फिर अफसर ने लिख दिया पानी ठीक आ रहा है। फिर कैबिनेट जितने निर्णय लेगी, कैबिनेट मतलब सुप्रीम बॉडी, चुनी हुई सरकार की सुप्रीम बॉडी जिसमें सारे मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री उसका अध्यक्ष होता है, तो कैबिनेट जो भी निर्णय लेगी वो निर्णय सही है कि गलत है ये चीफ सेक्रेटरी डिसाइड करेगा। तो चीफ सेक्रेटरी डिसाइड करेगा कैबिनेट ने निर्णय सही लिया कि गलत लिया, और फिर वो एलजी को रिकमेंड करेगा, एलजी उस पे कैबिनेट के किसी भी निर्णय को पलट सकता है। ये तो संविधान में भी नहीं दे रखा कि एलजी किसी भी निर्णय को पलट सकता है, इन्होंने नया एक संविधान बदल दिया। और ये अथॉरिटी बनाई है कि अथॉरिटी के अंदर मुख्यमंत्री बैठेगा, मुख्यमंत्री के सर पे 2 अफसर बैठेंगे। ये सारी चीजें हम सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे, और हमें पूरी उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद है और सारी पार्टियों से भी उम्मीद है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में भी मिलेगी, राहत मिलेगी, और अगर राज्यसभा में, संसद में बिल आता है तो उसको जीतने नहीं देंगे। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।